समझना कि घर में दूसरी मंजिल में चढ़ के बक्सा खोल ले हमें, बक्सा खोल ले हमें। ताला साला तोड़ देना, गहना वाला लूट लेना। हम चलो कुछ बता दें, आपको भी मारे हैं? दादी जी को बहुत बुरी तरह से लोग मारे हैं, पूरा बोल नहीं पा रहे हैं, इतना बहुत बुरी तरह से मारे हैं सब। रोइए मत, रोइए मत, इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। दिखाइए दिखाइए, दरवाजा तोड़ पूरा सब लूट लिए, टीवी भी खोर दिए हैं, सब तोड़ दिए हैं एकदम। अंदर भी कुछ नुकसान है? अंदर तो आप वही बता सकते हैं हमारे भाई साहब, दरवाजा एकदम टूटा हुआ है। अंदर रोड टूट गया, लगा हो सब उठा ले गए, हम मशीनियां निकाले गए। कोई है अंदर से बंद को बुलाइए, कोई हो तो। ए बेटा बनावा दे, कहते इंसाफ मिलेगा। मेरा मतलब घबराइए मत, सभी लोग अपने अपने गांव के सभी लोग हैं, घबराइए मत, अपने ही सभी लोग हैं। यहाँ पर देखिए जो ड्रम है, ड्रम को एकदम पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, और जानवर लोग का तो पता ही नहीं, ये परेशान मत होगा एकदम, लोगन सब कोई अपनी है, इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, बताइए। परेशान एकदम मत होगा, सब कोई अपने है। क्या क्या नुकसान हुआ है बताइए, वहीं से बताइए, वहीं से मारे पीटे भी हैं, मारे पीटे भी हैं आपको, बताइए और क्या क्या किया, साफ साफ बताओ जो जो अत्याचार हुआ है। तोड़ देले वो खटिया, तोड़ देले वो कुर्सी, तो टूट गई है सब कुछ, तोड़ के नुकसान कर देले हम एकदम से, मल्ले पिटले जाओ ना ऊपर से, मल्ले पिटले हम सब बंद हो, क्यों बंद हो घर का? घर मत रहा, घरे रहिए, कोई कोई नहीं आएगा, ठीक ना? ठीक है, यहाँ तक कि ए दादा आपको भी मारे हैं क्या, जो है कि लेडीज आपको भी मारे हैं, मारा गया।
औरतों तक को मारा गया है जो प्रशासन द्वारा जो कांस्टेबल है। दवा चल अरे हमने चाची 90 वर्ष के पूरे नहीं आवे जान वो कोनो अब लेकिन दवाई के कौन सही ना कि बच मरी बताइए इधर भी तोड़ फोड़ 90 वर्ष का ओके मान ले इधर ना गला यहां कई बार हां ये हमारा घर है यहाँ पर पंखे को भी नहीं छोड़े हैं सर। हाँ सब एकदम अत्याचार बहुत बढ़िया से किए हैं सर। प्रशासन एकदम गाना तक लूट लिए हैं है? चरपाई भी तोड़ दिए हैं, सिलाई भी तोड़ दिए हैं, ये दरवाजा भी इधर भी टूट गया है। किधर? इधर क्या टूटा है? अंदर भी है क्या? इधर नहीं, इधर नहीं है। चलिए इधर चलिए। सब कुछ छीट दिए सब सारा राशन तक नहीं छोड़े हैं। कुछ भी नहीं सर, वो चूल्हा और सब कुछ हम लोग सजाए सब वो सब कुछ तोड़ सुबह में सब कुछ बिखरा हुआ था किसे लगाया गया है। हाँ बोलेंगे कोई स्टाफ हमारे पिताजी को सुबह रहे 400 पड़ गया था चुनाव में गए थे बलिया फिर भी लोग नहीं माने ये लोग हम लोग बहुत हो किए फिर भी लोग को थोड़ा सी दया नहीं आई हम लोग बहुत परेशान। कोई बंद है? दो बच्चे हैं। कोई बंद है आपके घर का? जी नहीं मेरे घर कोई नहीं था। कौन बंद होगा? सिर्फ हम बच्चे का बच्चे सब छोटे छोटे लड़के वाले रो रहे थे अंदर भाग गए। अच्छा उनको नुकसान नहीं किया गया? मारा नहीं गया? लोग मारे के धमकी दिए लोग चिल्लाते रोने लगे तो हम ऐसे छेक लिए सर। अच्छा आपको मारे नहीं ना? नहीं हमको मारे नहीं। अच्छा बस नुकसान किए हैं? अच्छा क्या क्या नुकसान किया? सब प्रशासन किया है ना? ये काम है ये बोलिए आप बोलिए पर मेरे घर में राशन बिल्कुल भी नहीं हम लोग क्या खाएं सर। हां तो बोलिए आप बोलिए ना ये पहुंचाया जाएगा आवाज तब ना लोग समझ में आएगा। गालियां दे रहे थे गंदी गंदी पूरी पूरी बहुत सब हम बोले हम लोग स्टाफ हैं हम लोग चौकीदार दिखा के हम लोग को तो छोड़ दीजिए हम लोग उसमें नहीं मार करने गए थे। हमारे खुद पिताजी को शुगर हो गया 400 उनकी हार्ट है मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा वो है दवा पे लोग चल रहे हैं क्या बना के खिलाएंगे हम लोग नहीं खिलाएंगे तो मर जाएंगे। कहां है वो? अंदर है, सो रहे हैं। जाने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। ठीक ठीक ठीक। पैंडेमिक की आड़ में महामारी के दौर में जिला प्रशासन और सरकार लोगों की जानें नहीं बचा पा रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं करा पा रही है, लोगों को दवाएं रेमडेसिविर ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पा रही है। और एक जनतंत्र में एक लोकतंत्र में अगर गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो देखना चाहता है कि जितनी जितनी जनता उसको दिखाती है अगर उसको गलत समय रिकाउंटिंग कराना चाहता है तो रिकाउंटिंग न करा करके लाठियाँ बरसाई जाती हैं पूरे गाँव में एक एक घर में घुस करके तोड़ फोड़ की जाती है पूरा गाँव गायब है। जानवरों को मैं भी एक गाय को हम लोगों ने पानी पिलाया दो बाल्टी गाँव में गाय पानी पी गई मैं समझता हूँ कि जानवरों को पानी पिलाने वाला जानवरों को खिलाने वाला कोई नहीं है पूरे गांव में सन्नाटा है। इस सरासर निंदनीय है। पैंडेमिक का दौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लोकतंत्र की रक्षा हो लोकतंत्र की मूल भावना का सम्मान हो इसको कुचला न जाए इस पर गंभीरता से विचार करते हुए पैंडेमिक समाप्त होने के बाद हम लोग को बड़ा मुहिम मैं कह चुका हूँ कि मैं पूरे जिले में ऐसा वातावरण है जिसको कहते हैं अंधेर की नदी चौपट राजा टका से भाई टका से साजा कहीं कोई सुनवाई नहीं सरकार का मुखिया आत्मुग्ध है उसके अंदर तमीज नहीं बात करने की उसका संवाद नहीं है। जिले के प्रशासन में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जिलाधिकारी किसी के लिए सुनता है और स्थानीय स्तर पर यशो हर जगह सिर्फ रूट्स बची हुई आंसू गैस है ना वो? हाँ हाँ ये आंसू गैस पीछे पूरा फोटो ला ना।
गांव की जनता ऊपर क्यों ऊपर होने का कारक कौन ऊपर होने का कारक ही स्थानों के साथ है। अगर आपने काउंसिल करा दी काउंसिल कराने का पसंद दिया दे दिया होता तो आज ऐसी स्थिति हो गई कि भोले 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 भाले गाँव गाँववासियों पर आंसू गैस के भोले तक आगे गए भोजना तक हवा में गंजा कराई गई। और तो और मैं बता रहा हूँ कि आज चले जाइए आप थाने में आप जाएंगे पूरा लॉकअप भरा हुआ है। पूरा लॉकअप के बाहर का जो लॉबी है वो पूरा भरा हुआ महिलाओं से पुरुषों से बच्चों से किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। कम से कम थाने ने मास्क गिरा दिया होता है। SSP DM सबके संज्ञान में बात है। आप जहाँ एक तरफ कह रहे हैं पैंडेमिक का दौर है मास्क लगाएं दो गज की दूरी बनाएं घर पर रहें सुरक्षित रहें ऐसे में थाना भरा हुआ है वहाँ पर नहीं कोरोना फैलेगा वहाँ पर कोविड नहीं पॉजिटिव लोग होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से ये प्रशासन निरंकुश हो चुका है। इसके अंदर संवेदना नाम की चीज़ नहीं है न तो संविधान की रक्षा के लिए तैयार है न तो लोकतंत्र की मूल भावना का सम्मान करता है। लेडीज कांस्टेबल नहीं थी फिर भी औरतों को मारा गया बच्चियों को मारा गया नाबालिग बच्चियों को उठा करके थाने में बंद कर दिया गया है औरतों को बंद कर दिया गया यहाँ तक कि लेडीज कांस्टेबल थी ही नहीं जो कांस्टेबल थे वही लोग यहाँ तक कि पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया है। गोधौरा गांव ग्राम सभा गोधौरा ब्लॉक जानागंज पूरा देखा गया हम लोग पूरा गाँव घूम के देखे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के।